Hey guys, welcome back to the Universal Science YouTube channel। और एक चार साल का छोटा सा बच्चा जो पूरी तरह से बोल भी नहीं पाता था, वो एक दिन अचानक से अपने माँ और परिवार से बिछड़कर कहीं खो जाता है। और बिछड़ने के बाद उसे ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि सड़कों पर भीख मांगना, और लोगों के फेंके हुए खाने को खाना। जनरली ऐसे सिचुएशन में किसी बच्चे को चले जाना मतलब कि उसकी पूरी लाइफ अंधेरे में चले जाना, पर इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये बच्चा बड़ा होकर ऑस्ट्रेलिया का एक बिजनेसमैन बना और करीब 25 सालों के बाद वो अपने माँ और परिवार से मिल पाया। तो क्या थी इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं इस केस स्टडी में। 1981 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खंडवा में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था सारू मुंशी खान। सारू के जन्म होने के कुछ ही महीनों बाद उसके पिता ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सारू की मां को मजबूरन उसे दूसरों के घरों में काम करना पड़ता। पर उसकी मां को उतनी इनकम नहीं हो पाती थी कि जिससे वो अपने घर परिवार को सही तरीके से चला सके, इसलिए उसकी मां ने सारू के बड़े भाई गुड्डू को भी ट्रेन के डब्बों को धोने का काम पर लगवा दिया, जिससे उन्हें भी कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। अब अपने इस जीवन से वो तीनों खुशी खुशी जी रहे थे, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब सारू महज 4 साल का था, ठीक उसी साल एक रात अचानक से सारू की माँ को रात में ही काम पर जाना पड़ा, और जाते जाते उसकी माँ ने गुड्डू को ये जिम्मेदारी सौंपते हुए गई कि वो गुड्डू को सुलाने के बाद ही वो अपने काम पर जाए। पर सारू ये जान चुका था कि आज रात उसे अकेले में सोना होगा, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया और अपने बड़े भाई से जिद करने लगा कि वो भी उसे अपने साथ काम पर लेते जाए। पर उस समय गुड्डू को अपने काम पर जाने की जल्दी थी, इसलिए गुड्डू अपने भाई के साथ सोने के बजाय वो अपने आप को तैयार करने में लग गया। वो बिल्कुल भी अपने छोटे भाई को अपने साथ काम पर नहीं ले जाना चाहता था, पर अपने छोटे भाई की जिद के आगे उसे मजबूरन उसे हार मानना पड़ा और अपने साथ काम पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर दोनों भाई साइकिल पर बैठकर स्टेशन की ओर निकल पड़े। स्टेशन पहुंचने के बाद गुड्डू ने सारू को एक बेंच पर सुला दिया और वो अपने काम की ओर चल दिया। उधर सारू बेंच में अकेले बैठने के कारण उसे घबराहट सी होने लगी, जिसके चलते वो वहां से उठा और अपने भाई को इधर उधर खोजने लगा। काफी देर खोजने के बाद भी जब उसे उसका भाई नहीं मिला तो उसने पास ही खड़े एक ट्रेन में जा घुसा और वो अपने भाई को ट्रेन के अंदर ही खोजने लगा, पर उसे उसका भाई उस ट्रेन पर भी नहीं मिला। थक कर सारू ट्रेन के फर्श पर ही बैठ गया। सारू अपने भाई को खोजने के दरमियान में वो इतना थक चुका था कि फौरन ही उसे नींद लग गया और वो ट्रेन के फर्श पर ही सो गया। और जब उसकी नींद खुली तो ट्रेन अपनी ही गति से चल रही थी। ये देखकर वो काफी घबरा गया और वो जोर जोर से रोने लगा, पर किसी ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ट्रेन में आपको ऐसे ही बहुत से बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन पर रुक तो रही थी, पर सारू किसी भी स्टेशन पर उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, जिसके चलते वो ट्रेन के साथी कोलकाता पहुंच गया। अब सारू अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे शहर में पहुंच चुका था और ये शहर सारू के लिए एकदम नया था। यहाँ के लोग भी उसके देखे हुए लोगों से मेल नहीं खा रहा था, जिसके चलते वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि वह किस जगह पर पहुंच चुका है। और ये मन में ये सोचकर ही रोने लगा कि इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में अब वो अपने भाई को कैसे खोजेगा और वापिस घर कैसे जाएंगे। उसे ना तो पढ़ना लिखना आता था और ना ही उसे उसका गांव का पता मालूम था। पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद शाम को जब उसे भूख लगा तो उसने लोगों के फेंके हुए खाने को कचरा से उठाकर खाने लगा और किसी तरह सड़कों पर सोकर रात गुजार डाली। अब कुछ इसी तरह उसके दिन और रात गुजरने लगे और धीरे धीरे उसके आसपास के भीख मांगने वाले बच्चों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। अब सारू भी उन बच्चों के साथ भीख मांगने लगा। फिर एक रात एक अनजान आदमी आया और भीख मांगने वाले सभी बच्चों को उठाकर अपने साथ ले गया, पर सारू किसी तरह वहां से भाग निकला और फिर से वो सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो भूखा सड़कों पर घूम रहा था तभी उसकी नजर एक होटल पर पड़ी जिसके अंदर एक आदमी बैठकर खाना खा रहा था, जिसे देख सारू अपने उंगलियों को चाटना शुरू कर दिया। तभी उस आदमी की नजर सारू पर पड़ी। सारू को ऐसा करते देख उसे एहसास हो गया कि ये बच्चा जरूर भूखा होगा। उसने
शाहरुख को उस होटल में खाना खिलाया और फिर उसके परिवार वालों के बारे में पूछने लगा, पर शाहरुख कुछ भी बताने से मना कर दिया। जिसके बाद उस आदमी ने शाहरुख को एक अनाथालय ले गया, जहां उस अनाथालय ने पुलिस की सहायता से उसके परिवार वालों को खोजने की भरपूर कोशिश की, पर इसमें वे सफल नहीं हो पाए। जिसके बाद उसे एक अनाथ मान लिया गया और उसे उसी अनाथालय में रख लिया गया। लेकिन किस्मत ने शाहरुख के लिए कुछ और ही सोच के रखा था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए इस जोड़े ने किसी बच्चे को गोद लेना चाहते थे और वह घंटों इंटरनेट पर बैठकर अनाथालय के बच्चों को देखा करते थे। इसी बीच एक दिन उसने शाहरुख की फोटो एक अनाथालय के साइट पर देखी। उसे शाहरुख बेहद ही पसंद आया और उसने शाहरुख को गोद लेने के बारे में सोचने लगा। तुरंत ही उसने अनाथालय को कांटेक्ट किया और अपने इस बात को अनाथालय के साथ शेयर किया। फिर क्या था, इस प्रेमी जोड़े ने तुरंत ही इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़ी और इंडिया पहुंचने के बाद और वो दोनों सीधा अनाथालय पहुंचा और फिर कानूनी दस्तावेज करने के बाद इस प्रेमी जोड़े ने शाहरुख को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए, जहां शाहरुख को एक परिवार मिल गया तो वहीं उन प्रेमी जोड़े को एक छोटा सा बेटा मिल गया। अब शाहरुख की जीवन पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो स्कूल जाता, नए नए दोस्त बनाता, दिन भर वो वीडियो गेम खेलता। आम शब्दों में कहे तो अब वो साधारण सा जीवन जी रहा था। पर शाहरुख ऑस्ट्रेलिया में होने के कारण वो अपनी भाषा हिंदी को धीरे धीरे भूलता चला गया, लेकिन अभी भी उसको अपनी माँ और भाई की याद सता रही थी। पर वह आखिर कर भी क्या सकता था सिवाय उन्हें याद करने के अलावा। अब धीरे धीरे उसने स्कूल पास किया और उसका एडमिशन अब कॉलेज में हुआ। कॉलेज में पढ़ते हुए उसे इंटरनेट की जानकारी हो गई, जिनमें से एक गूगल मैप भी था। वो घंटों इंटरनेट पर बैठकर गूगल मैप की सहायता से वो अपने गाँव को खोजने की कोशिश करता, कभी सड़कों को तो कभी रेलवे स्टेशन को देखता। पर हम सबको पता है कि भारत में करीब 10,000 से भी अधिक स्टेशन मौजूद है। ये तो वही बात हो गई कि रेगिस्तान में किसी सुई को खोजना, पर अगर आपके हौसले बुलंद हो तो एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद आखिर किस्मत ने उनका साथ दिया। एक दिन उसे कुछ सैटेलाइट फोटोज मिले, जिसे देखकर उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये जगह बिल्कुल उसके गाँव का जैसा ही लग रहा था। उसके गाँव में मौजूद ये ब्रिज बिल्कुल उसके गाँव के ब्रिज जैसा ही लग रहा था, जिसे देखकर अब उसे यकीन हो गया कि अब वो अपने माँ और परिवार से मिल पाएगा। तुरंत ही उसने उस फोटो वाले ब्रिज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुट गया। लगातार जानकारी इकट्ठा करने के बाद फाइनली उसे ऐसे ही ब्रिज वाले 3-4 जगहों के बारे में पता चला। अब ऐसे में 3-4 जगहों के बारे में पता होने के कारण वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि इनमें से उसका गांव कौन सा है। अब ऐसे सिचुएशन में वो या तो उन सभी जगहों पर जाके अपने घर को खोजने की कोशिश करता, या फिर उस जगह के किसी आदमी से कांटेक्ट करके अपने गांव का पता लगाया जा सकता था। पर ना तो वो इंडिया में किसी को जानता था और ना ही उसके पास किसी का कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद था। अब शाहरुख अपने परिवार का पता मालूम होने के बावजूद भी उसे कन्फ्यूजन हो रहा था कि आखिर इन सभी जगहों में से उसका गांव कौन सा है। तब शाहरुख ने फेसबुक के जरिए इंडिया के लोगों से जुड़ने लगा, जिनमें से एक उसके गांव का एक लड़का भी शामिल था। अब शाहरुख फेसबुक के जरिए इंडिया के लोगों से बातें करने लगा और वहां के रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। इसी बीच एक लड़के ने उनको ये बताया कि हमारे गांव में भी एक शाहरुख नाम का लड़का रहा करता था, पर न जाने वो आज से करीब 25 साल पहले ही वो हमारे गांव से कहीं गुम हो गया। जिसके बाद उसकी माँ ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, पर उसका कुछ अता पता नहीं मिला। लेकिन उसके गुम होने के अगले ही दिन उसके भाई की लाश रेलवे स्टेशन पर पड़ा मिला। ये सुनते ही उसने तुरंत ही इंडिया की फ्लाइट पकड़ी और सीधा अपने गांव पहुंचा। उधर उसके दोस्त ने उसकी माँ को यह बता दिया था कि आपका बेटा शाहरुख वापस आ रहा है। शाहरुख गांव में पहुंचते ही उसके दोस्त घर की तरफ ले जाने लगा। शाहरुख ठीक घर पहुंचने ही वाला था, तभी उसकी माँ उसे रास्ते में ही गले लगा लेती है। शाहरुख अपने माँ से पूरे 25 सालों बाद मिल रहा था। शाहरुख अपने माँ से मिल तो गया, पर उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शाहरुख अपने माँ के सामने होने के बावजूद भी वो अपने माँ से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शाहरुख ऑस्ट्रेलिया में होने के कारण वो तो पूरी तरह से हिंदी भूल चुका था, इसलिए वो अपनी माँ से बात नहीं कर पा रहा था। अब ये उन दोनों के लिए बेहद ही सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते उसे जो कुछ भी बात करना होता वो पहले अपने दोस्त को बताता और फिर उसके दोस्त उसे ट्रांसलेट करके उसकी माँ को बताता। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे से बात किया करते। आप लोगों को याद होगा अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी
सिंग इज बिलिंग। ये मूवी भी कुछ इसी तरह की स्टोरी पर आधारित है। आज सारू ऑस्ट्रेलिया का एक बिजनेसमैन है और वो हर महीने अपनी माँ को कुछ पैसे भेजा करता है, जिसके चलते अब उसकी माँ को दूसरों के घरों में काम नहीं करना पड़ता। सारू की माँ बताती है कि साल में कई बार सारू अपने उस ऑस्ट्रेलिया वाली माता पिता को अपने साथ गांव लेके आता है। मजे की बात तो ये है कि सारू की जिंदगी पर एक मूवी भी बनी हुई है। इस मूवी के कारण ही आज सारू पूरी दुनिया में जाना जाता है।